चीफ हैं इन इंडिया न्यूज के, मैं राणा सर के पास चल रहा हूँ। राणा सर, ये साइलेंट वोटर ही है जो सारी इक्वेशन बदल दे रहा है। और अभी कुछ देर पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है, कुछ देर पहले जो फिगर्स थी, कहते ना कुछ देर पहले कुछ भी ना था, कुछ देर में ही गजब हो गया। ये तो फिट बैठ रहा है बीजेपी और कांग्रेस पर। ये रोहित करिश्मा है, कमाल है, क्योंकि ये इलेक्शन से ठीक पहले मैं मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रहा था और वो इस बात पर आमादा थे कि इस बार भी हम जीतेंगे। और आज सुबह जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो नायब सिंह सैनी फिर से दावा ठोक रहे थे कि हम बहुमत लेकर के आ रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी। अगर इस तरीके से किसी मुख्यमंत्री के भीतर भरोसा है, इसका मतलब ये है कि जमीन की पकड़ समझ उसके पास होगी, कहीं ना कहीं से इनपुट मिल रहा होगा। जो ये सर्वे, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू करिएगा। कुमारी शैलजा क्या कुछ कह रही है, एक बार ये सुनिए जरा। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे, कम से कम, उम्मीद नहीं विश्वास है। मेरे साथ कुमारी शैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता। मैम सर आप बात पूरी करिए, हालांकि कुमारी शैलजा अभी भी कह रही है कि उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ये सामने स्क्रीन पर जो आंकड़ा है कुमारी शैलजा के दावे को कहीं ना कहीं झुठलाता हुआ है। और बीजेपी ने जमीन पर कुछ काम किया होगा, या गांव में महिलाओं के बीच में जो दावा था कि वहां सर्वे नहीं जा पा रहा है, एग्जिट पोल जो है, आलोक जी भी मुझसे कह रहे थे कि एग्जिट पोल का मतलब ये है कि शहरी इलाकों में आपने कुछ लोगों से पूछा, सर्वे सैंपल इकट्ठा किया और एक राय आपने तैयार की, लेकिन राय जो है वो जमीन का सच हो जरूरी नहीं है। और हरियाणा में इस बार जैसे लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे थे, हरियाणा की ये नतीजे जो भी सामने आ रहे हैं, ये रुझान है। अगर नतीजों में बदलते हैं तो आप मान कर चलिए कि आदमी जो नागरिक हमारा है वोट डालने के लिए जाता है, वो अपनी जुबान खोलता है, दिल नहीं खोल रहा है, और दिल और जुबान का फ़र्क वो समझने लगा है। और यह बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी की होगी अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो। जम्मू कश्मीर आप देखें तो बीजेपी वहाँ उस तरीके से नहीं आ पाई जिस तरीके से वो उम्मीद कर रही थी। वहाँ छोटी छोटी पार्टियों को घाटी में खड़ा किया गया था, सज्जाद लोन थे, अल्ताफ बुखारी थे, गुलाम नबी आज़ाद थे। बावजूद इसके आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तूती बोल रही है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन अलायंस है उसने बहुमत के आंकड़े को कहीं पार कर लिया है। अगर मैं मानता हूं कि 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी विधानसभा में चले जाते हैं तो 48 का जो आंकड़ा होता है बहुमत के लिए वो भी वो पार कर चुके हैं। तो लिहाजा वहां एक सीन साफ साफ दिख रही है कि बीजेपी घाटी में जम्मू कश्मीर में अपनी जो स्ट्रैटजी थी उसमें कामयाब नहीं हो रही है, लेकिन 10 साल के बाद हरियाणा में फिर से अगर बीजेपी आती है तो हरियाणा में बीजेपी खातिर अपने आप में एक बड़ा इतिहास है कि लगातार 3 बार कोई पार्टी एक राज्य में आती हो। और यह नायब सिंह सैनी, आलोक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो गार्ड चेंज हुआ वो थोड़ा माना जाता है कि कम समय पहले हो जाना चाहिए था, समय कम दिया गया नायब सिंह सैनी को, तो क्या नायब सिंह सैनी के बदलने से और जातीय समीकरण जो हरियाणा का था वो साधने के चलते बीजेपी ने अपने आप को भी संभाला है? आधार नहीं होता असल में। आप ये कहिए कि मनोहर लाल जी के राइट हैंड, जैसे कहते हैं आप बैठे हैं हम बैठे हैं, इतना यदि आपस की अंडरस्टैंडिंग हो, उस तरह का काम हुआ है। और इसलिए जाति ठीक है, बैकवर्ड के लिए आए, ब्राह्मणों के लिए आए, दूसरी दलितों के लिए आए, ये कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने RSS की जो लाइन है, यदि आप समझें कि नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल जी या इन लोगों की जो क्षमता है वो एक विचार के आधार पर यदि है, और ज़मीनी, जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था, पहले भी कहा, महिलाओं से गांव में जाकर के किसने संपर्क किया, महिलाओं को जो लाभ हुआ है, हो सकता है तो अद्भुत है ना। 50 जी आप मतलब 2019 में बहुमत तक नहीं पहुंचे तो आपको JJP से हाथ मिलाना पड़ा, और आप 2014 से आगे निकलते हुए से जा रहे हैं। ये JJP को देखिए, इसीलिए JJP अलग, उनकी वजह से थोड़ी बदनामी हुई थी। और अभी भी मैं कहूँगा, देखिए ये विक्ट्री सरकार की पूरी सफलता मैं नहीं कहूँगा, सॉरी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जो योजनाएँ हैं, ये नहीं कह रहे कि मोदी जी वहाँ, नेचुरली मनोहर लाल जी के लिए बहुत नाराजगी भी थी कि हमारा काम नहीं हो रहा है, RSS के लोग भी कुछ न कुछ इस तरह के संतुष्ट दिखाते थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये परिणाम यदि बदलता है, देखिए अभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ भविष्यवाणी के साथ बीजेपी ही सरकार बना लेगी, क्या आखिरी आंकड़ा आता है, चूँकि कहीं 2000 का अंतर आ जाए, कहीं 500 का आ जाए, अनिल भी यदि जीत जाते हैं तो वो कितना दावा करेंगे, मान लीजिए वो हार जाते हैं तो क्या होगा। इसलिए अभी हम ये जरूर कहेंगे कि हाँ, ज़मीनी काम होना
और गांव और महिलाओं ने जो भूमिका निभाई है वो यदि बीजेपी की खबर ये है कि अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा जो है लगभग 1000 वोट से आगे चल रही हैं। अनिल विज जो दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का वो पीछे चल रहे हैं। राजनीति में होता रहता है, लेकिन ये हरियाणा की जो कामयाबी है वो जवान, किसान, पहलवान, संविधान, यह जो तमाम नारे थे कांग्रेस के और इनके आधार पर वो सत्ता में आने का दम भर रही थी और एग्जिट पोल से उसके हौसले बुलंद हुए थे, वो सब धराशायी से दिख रहे हैं। इसका मतलब कि बीजेपी ने इस बार की जो चुनावी रणनीति थी और ज़मीन पर उसका काम था वो बेहतर किया है, क्योंकि ये उम्मीदों से परे जो हम आंकड़ा देख रहे हैं अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो ना तो ये एग्जिट पोल था ना ही पार्टियों के बीच में ऐसी कोई राय बन रही थी। इसका मतलब ये है कि सरकार की अपनी जो रणनीति पिछले 1-2-3 महीनों के भीतर रही है और पार्टी, संगठन, संघ, इन सबों ने ज़मीन पर कुछ ऐसा किया जरूर है कि लोगों ने पलट करके बीजेपी का रास्ता अख्तियार किया है और आज की तारीख में आंकड़ा सामने दिख रहा है। राणा जी, एक बात मैं जोड़ूंगा जरूर, क्योंकि देखिए जिस तरह से किसानों की बात की जाती है, छोटे किसान, मैं हरियाणा के गाँव में पहले भी गया हूँ, तो जो छोटे किसान है वो खुश होता है। ये जो केवल परसेप्शन, ये ठीक है कि प्रचार मैंने चूंकि इंदिरा गांधी के समय से कवर किया है हरियाणा से लेकर के और देश के हिस्सों में, कश्मीर को भी, इसलिए मैं कहूँगा कि होता क्या है कि छोटे किसान, छोटा आदमी, गरीब आदमी उस तक जब पहुँचनी होती परसेप्शन बनाया जाता है। 77 में दिल्ली के दो बड़े अखबार थे और बड़े हिंदी के अखबार कहिए आप, उनमें हेडलाइन होती थी कि लहर है, और मैं जानता था चूँकि जो सलाहकार थे कितना पैसा दे करके वो खबरें हेडिंग लाइन बननी हुई है, तो पैसा खर्च आलोक सर, एक मिनट रोकना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो शख्सियत हैं कांग्रेस की जिन जो पूरी तरीके से चुनाव को उन्होंने कांग्रेस के लिए अपने कंट्रोल में रखा। इस तरह की भी बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई कि जो 90 सीटें हैं और 90 सीटों में से 72 सीटें सिर्फ हुड्डा खेमे के जो कैंडिडेट्स हैं उनको दी गई, इस वजह से कुमारी शैलजा नाराज थी। ये नाराजगी भी एके मिश्रा जी आपको क्या लगता है कि भारी पड़ी, क्योंकि जो चुनाव था, जो एक पिक्चर कहते हैं ना, जो पब्लिक में पिक्चर दिखाई देती है, पब्लिक में पिक्चर कांग्रेस की ये गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेज कुमारी शैलजा वर्सेज रणदीप सुरजेवाला। कुमारी शैलजा ने भी इच्छा जाहिर कर दी कि क्यों मैं क्यों सीएम नहीं बन सकती, बहुत देर से वो प्रचार में आई, नाराजगी थी वो बिल्कुल सतह पर नजर आ रही थी। रणदीप सुरजेवाला के बेटे कहते हैं कि भाई दो कैंडिडेट क्यों, मेरे पापा कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकते, तो ये पूरी सतह पर दिख रही थी। रोहित, आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस से हमेशा सवाल पूछते थे कि कितने ओबीसी आपके इस कमेटी में है, कोई दलित नहीं है। और जब शैलजा रानी जी नाराज हुई तो इसको बीजेपी ने इनकैश किया, उनको अपने खेमे में निमंत्रित किया, पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला और इसका प्रचार भी किया, तो कहीं ना कहीं एक ये डेंट वाला मैसेज तो डेफिनेटली गया कांग्रेस के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो अभी दिख रहा है कि 50 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, नतीजों में परिवर्तित होते हैं, कान हम लोगों के उसी वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे जब मीडिया में कोई खबर नहीं, कोई सर्वे नहीं, कोई प्री पोल इस तरीके से भविष्यवाणी नहीं बीजेपी की तरफ से, जबकि बीजेपी मीडिया सर्वे वगैरह में बहुत आगे रहती है। जब बीजेपी एकदम शांत हो गई और आरएसएस और बीजेपी की लड़ाइयां लोग दिखा रहे थे, तो इसका मतलब है बीजेपी ने 2024 से सबक लेते हुए साइलेंट हो करके ग्राउंड जीरो पे अपने काम को किया और उसको बखूबी छुपाया, अपनी स्ट्रेटजी को छुपाया विपक्षियों से, कांग्रेस से, वो क्या काम कर रहे हैं, कहां अप्रोच कर रहे हैं, क्या मुद्दे वो लेकर के जा रहे हैं, पब्लिक में मुद्दा क्या है, मीडिया में क्या है, और हो सकता है 1-to-1 डोर टू डोर मीटिंग और कैंपेनिंग में उनके गली के नेताओं ने, मोहल्ले के नेताओं ने कोई और मुद्दा ही समझाया हो वोटरों को। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मिश्रा साहब कि जिस दिन हरियाणा में वोटिंग थी 5 तारीख को, उससे एक दिन पहले ANI ने एक इंटरव्यू रिलीज किया था कुमारी शैलजा का, वो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था, और उस इंटरव्यू में भी मतलब वोटिंग से एक दिन पहले वो जाहिर कर रहे हैं कि नहीं मैं सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं, तो एक दिन पहले भी इस कद की नेता इस बात को जाहिर करती हैं, तो ये बताता है कि अंदर सब ठीक नहीं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये एकदम 100 कोई भी नेता, अभी जैसे अनिल विज ने भी अगर ये बोला, किसी भी फील्ड में हर नेता का, हर आदमी की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है और एक पेशेंस होता है, पेशेंस का बांध जब टूटने लगता है तो लोग बोलने लगते हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस के नेताओं ने बढ़-बढ़ के बोला, उससे शैलजा जी को ये लगा कि हम तो हाशिए पे चले गए हैं, जबकि एकमात्र वो दलित वहां पे चेहरा अगर देखा जाए अपनी फील्ड में, जो कि महिला भी है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी पिछले साल भर से रही है कितने दलित, कितने ओबीसी, हमने दलित को जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया खड़के जी को,
सेंटर में कांग्रेस ढोल पीट रही है दलितों का, ओबीसी का, और हरियाणा में जो एक सबसे प्रोमिनेंट चेहरा है इसी चीज को मैसेज देने में बीजेपी सफल रही है। उन्होंने शैलजा रानी को बाकायदे सम्मान देते हुए और स्टेटमेंट रहे हैं कि हम इन लोगों का असली सम्मान जो करती है, असली जगह जो मिलेगी वो बीजेपी में मिलेगी, तो कुछ ना कुछ वोट का परसेंट तो शिफ्ट हुआ है। भले मंच पे सारे कांग्रेस के नेता शैलजा रानी एक दिख रहे थे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुजा कपूर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी।